गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ डिम्पल, आई एम योर जी के टीचर. ओके, सो टुडे वी विल रीड चैप्टर 22, नो योर बॉडी. ओके, टुडे आई विल क्विज यू अबाउट ह्यूमन बॉडी. आर यू रेडी? वो आपको क्विज देगा ह्यूमन बॉडी के बारे में. ओके, एंड ये जो गर्ल है वो क्या बोल रही है, एंड आई विल गिव यू अ क्लू, राइट द आंसर इन द ब्लैंक स्पेस. कि ये तो आपसे क्विज पूछेगा और ये आपको क्लू देगी उससे रिलेटेड, और आपको आंसर कहाँ लिखना है, जो नीचे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है आपको वहाँ आंसर लिखना है. ठीक है, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अ ह्यूमन बॉडी. सबसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. अभी आपको क्या क्लू दे रही है, यू मे फाइंड इट इफ़ यू स्माइल. आपको कब आप उसको फाइंड कर सकते हो, अगर आप स्माइल करोगे तो. तो अगर आप स्माइल करते हो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, टीथ दिखते हैं ना, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो टीथ ही होते हैं. तो इसमें आंसर में क्या आएगा, टीथ. ओके, वॉट इज़ दैट यू कैन नॉट डू विथ आइज ओपन अपार्ट फ्रॉम ड्रीमिंग. ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी चीज़ जो आप नहीं कर सकते अगर आपकी आंखें खुली हुई है तो, अपार्ट फ्रॉम ड्रीमिंग. जैसे सपने हैं वो आप आँख खोल के तुम देख सकते हो, उसके अलावा ऐसा क्या है. ठीक है, ये क्या बोल रही है, यू डू दिस व्हेन यू कैच अ कोल्ड. आप ये तब करते हो जब आपको कोल्ड कैच हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्नीजिंग बोलते हैं. ठीक है, छींक आती है ना अपन को वो, लेकिन उसके लिए कौन सा अपना पार्ट ऑफ बॉडी कौन सी यूज़ होती है, वो होता है नोज़. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नोज़. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पम्प्स ब्लड थ्रू ऑल द वेनस. ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो पूरे मतलब पूरी बॉडी के अंदर, वेनस के अंदर जो अपनी नसें हैं उसके अंदर ब्लड को पम्प करता है. ठीक है, वो कौन सा पार्ट है. और ये हिंट क्या दे रही है, यू लूज इट व्हेन यू लूज होप. जैसे आपकी कोई उम्मीद टूट जाती है तो आप उसको भी खो देते हो, तो वो क्या है, हार्ट. दिल टूट जाता है ना कोई अगर ऐसी चीज़ होती है तो इसमें आंसर क्या जाएगा, हार्ट. ओके, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी हैज मैनी एज 27 बोन्स. ओके, ऐसा कौन सा पार्ट है अपनी बॉडी का जिसके अंदर 27 बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है. ठीक है, नाउ यू नो वाई अ स्लैप इज शार्पर देन अ किक. अब शायद आप जान सकते हो कि जो एक स्लैप होता है वो एक किक से ज़्यादा शार्पर क्यों होता है. ठीक है, ये आपको क्लू दे रही है. तो इसमें आपने आंसर क्या आएगा, स्लैप के लिए किसको यूज़ करते हैं अपन, हैंड्स को यूज़ करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, हैंड. ओके, और हैंड्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा 27 बोन्स उसी में होती है. विच बोन इज़ द फनी बोन. ऐसी कौन सी बोन है जो फनी बोन कहलाती है. ठीक है, नन इट्स अ नर्व बट वेयर. बोन नहीं होती, वो एक नर्व होती है. ठीक है, और वो कहाँ होती है, स्टिरअप इन द एयर. ओके, कहाँ पे होती है वो, स्टिरअप होती है इन द एयर. ओके, तो आप यहाँ पे ईयर लिख सकते हो इसके अंदर तो आप आंसर, और यहाँ पे अगर आपको फुल आंसर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, स्टिरअप इन द एयर. हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी. एक एडल्ट जो होता है, मतलब बच्चे की बात नहीं की जा रही, जो एक एडल्ट हो जाता है अच्छे से, जिसकी बॉडी पूरी की तरह से ग्रो हो जाती है, उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, तो कितनी बोन्स होती है. और ये क्या आपको क्लू दे रही है, हाउ अबाउट 6 एडेड टू 2 सेंचुरीज. अब देखो एक सेंचुरीज में कितने ईयर्स होते हैं, 100 होते हैं, तो 2 सेंचुरीज में कितने हो गए, 200. ठीक है, 200 तो हो गए, और कितने ऐड करने के लिए बोल रही हूँ उसमें, 6, तो कितने हो गए, 206. तो इसने क्लू क्या दिया आपको, कितनी बोन्स होगी, 206 बोन्स होगी. ओके, तो योर आंसर विल बी 206 बोन्स. विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. सबसे छोटी बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर. डिड यू हियर व्हाट ही जस्ट सेड. क्या तुमने सुना उसने क्या कहा. सुना तो अपन सुनते किससे हैं, ईयर से. तो आपको ये क्या क्लू देने की कोशिश कर रही है कि अगर आप ईयर से सुन रहे हो तो इसका आंसर क्या होगा, ईयर्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई विल सेंड यू द पिक्स इन द ग्रुप. ओके, सो यू विल डू इट फ्रॉम देयर. ओके.